हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सरल साउंड सिस्टम में। ये है दोस्तों स्टेंजर का न्यू एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर में हम कितना हॉर्न और टॉप चला सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और इसका प्राइस क्या होने वाला है इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसका मॉडल नंबर होने वाला है स्टेंजर PBD 751, जो की 701 मॉडल का अपग्रेड वर्जन है। और ये एम्पलीफायर सिंगल चैनल एम्पलीफायर है, जो कि आपको डबल चैनल एम्पलीफायर जैसा लग सकता है, लेकिन ये सिंगल चैनल एम्पलीफायर है। और इसका लुक और डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका पावर 708 RMS आउटपुट देता है 2 ओम्स और 4 ओम्स में, जिसमें कि आप स्पीकर ओम्स वाले यूनिट और इन सब को यूज कर सकते हैं। और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट में आप LMT यूनिट यानी कि वोल्ट वाले यूनिट को आप यूज कर सकते हैं। और इस एम्पलीफायर में आपको 4 वॉल्यूम नॉब मिल जाते हैं, मिड, बेस, ट्रेबल और मास्टर वॉल्यूम, और साथ ही इनके लेवल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। और इस एम्पलीफायर में हॉर्न स्पीकर सिलेक्टर स्विच भी मिलता है, जो कि पहले के मॉडल से अभी के मॉडल में इसको चेंज कर दिया गया है। और सामने ही आपको पावर और टेम्परेचर का LED इंडिकेटर भी मिलता है। और इसका ऑन ऑफ स्विच पहले के मॉडल से इसको भी चेंज कर दिया गया है। पहले के मॉडल में लाइट दिया हुआ था और अभी के मॉडल में इसमें लाइट नहीं दिया हुआ है। और मशीन को ठंडा रखने के लिए एक फैन भी दिया गया है। और इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए आप 220 वोल्ट का करंट देके आराम से चला सकते हैं। और इसका वेट हो जाता है 25 kg 800 ग्राम, और इसका प्राइस आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर में हम कितना वाटेज के हॉर्न और टॉप को चला सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि इस एम्पलीफायर में आपको 2 ओम्स और 4 ओम्स में 750 वाट का आउटपुट मिलता है। अगर आप इसमें डबल 12 इंची के दो टॉप चलाना चाहते हैं यानी कि 4 स्पीकर, तो आप 200 से 300 वाट तक के स्पीकर को आराम से यूज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 300 वाट तक के स्पीकर को यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 300 वाट तक के स्पीकर को यूज करते हैं डबल 12 इंची में, तो इसका 4 स्पीकर का टोटल वाटेज हो जाता है 1200। आप 1200 वाटेज का 2 ओम्स में लोड देके इस एम्पलीफायर में आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसमें डबल 15 इंची के दो टॉप चलाना चाहते हैं, तो आप 200 से 250 वाट के स्पीकर को यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा वाटेज के स्पीकर को यूज करते हैं, तो इस एम्पलीफायर में इसमें लोड पड़ सकता है, क्योंकि 15 इंची के स्पीकर में 12 इंची के स्पीकर से थोड़ा वॉइस क्वीन बड़ा साइज का होता है, जिसके वजह से एम्पलीफायर में थोड़ा सा लोड पड़ सकता है। तो आप 15 इंची में 200 से 250 वाट तक के स्पीकर को यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर में हम कितना हॉर्न चला सकते हैं और कितना वाटेज के चला सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस एम्पलीफायर में आप 40 से 50 वाट तक के LMT हॉर्न यूनिट 10 से 15 पीस आराम से यूज कर सकते हैं। इससे अगर आप ज्यादा यूज करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम 20 पीस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप ज्यादा हॉर्न यूनिट यूज करेंगे तो इसमें लोड पड़ सकता है, और ज्यादा लोड देके आप चलाएंगे तो आपको अच्छा साउंड क्वालिटी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छा साउंड क्वालिटी चाहते हैं, तो आप 10 से 15 पीस 40 से 50 वाट तक के LMT यूनिट आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर का प्राइस कितना हो जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस होने वाला है 20 से 22,000 के बीच में, इजिली मार्केट में मिल जाना चाहिए। और अलग अलग मार्केट में इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप अपने मार्केट के हिसाब से प्राइस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और अभी तक आपने आउचा के हॉर्न यूनिट का प्राइस लिस्ट वीडियो नहीं देखा है, वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में अपलोड है, या फिर मैं वीडियो क्लास में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डीजे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए किसी नए वीडियो में मिलते हैं।